तेज तर और बरक रफ्तार रीडिंग ऑनलाइन कश्मीर न्यूज सर्विस KNS। देखिए राम माधव जी को पहले ये बात समझनी चाहिए कि बात करने से पहले उनको सोचना चाहिए कि वो आरएसएस के मेंबर और कॉन्स्टिट्यूशन 3 आर्टिकल 370 का जो बना है और रामा प्रसाद जो उनके फाउंडर मेंबर हैं आरएसएस के श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो तो उन्हीं ने साइन किया है। ये कुछ नहीं है, ये सारा बकवास ये है बीजेपी का, ये प्रोपेगेंडा आर्टिकल 370 को हटाएंगे ये करेंगे। दिस इज लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, क्योंकि वो अब हर फ्रंट पे हार चुके हैं, अब उनने हथियार डाल दिए हैं, अब वो चाहते हैं कहीं से हम कम्युनल वायलेंस क्रिएट करें, हालात ख़राब करें, लोगों को सप्रेस करें, लोगों को तंग करें और किसी तरह ये नंबर गेम हम बना लें। क्योंकि मतलब आप खुद देख सकते हैं कि लोग कितना तंग आ चुके हैं विदाउट अ गवर्नमेंट और बीजेपी कितना एक्सटेंड कर रही है जानबूझ के। गवर्नर इज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ बीजेपी इन द स्टेट। आप मुझे बताइए, अगर इतना ख्याल है इन लोगों का, ये इलेक्शन क्यों नहीं कराते, उनको अपने रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं देते? गरीब लोग जो कि डिफरेंट डिफरेंट इलाकों से, उनको सेक्रेटरेट आना पड़ता है, और चार आदमी सेक्रेटरेट में बैठ के कितने लोगों का ख्याल रखेंगे? अकाउंटेबिलिटी नहीं है, हादसे हो रहे हैं, एजुकेशन इफेक्ट हो रही है। मतलब मेरे ख्याल से बीजेपी को अब ये आर्टिकल 370-35 ए के ये बहाने बना के लोगों को परेशान नहीं करना थे। अगर ये करना था उनको तो उनने पिछली सरकार में क्यों नहीं किया? वो तो फुल मेजॉरिटी में था, यहाँ पे भी उनकी किस्म की सरकार थी अलाइंस में पीडीपी के साथ, उस टाइम क्यों नहीं किया? ये सिंपली लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक एक्ट है और कुछ नहीं है, बाकी कुछ सारा बकवास। ताज़ा तरीन मालूमात के लिए आप जुड़े रहें KNS के साथ। KNS को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें।